गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हमारा हिंदी में पार्ट 6 वचन चल रहा है हिंदी व्याकरण में। आज दिनांक है 29 जुलाई 2021, दिवस वीरवार। आपको ये हेडिंग डालनी है और इसी तरह से ये आपको डायग्राम बनाना है। वचन, उसके कितने भेद हैं, एक वचन और बहुवचन दो भेद हैं। देखिए मैंने ये पिक्चर पेस्ट की है एक वचन की और ये बहुवचन की। देखिए क्वेश्चन आंसर करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वचन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका, आपने वचन की परिभाषा बतानी है और उसके उदाहरण बताने हैं। जिन शब्दों से एक या एक से अधिक संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मैंने आपको समझाया भी था ना वचन के बारे में। उदाहरण लिखेंगे, बच्चा, केला, पुस्तकें आदि। बच्चा और केला क्या है, एक वचन है, और ये पुस्तकें बहुवचन है। तो ये हमें संख्या का बोध करवा रहे हैं, एक एक संख्या का और ये एक से अधिक संख्या का। दूसरा प्रश्न है आपका, एक वचन व बहुवचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम एक वचन बताएंगे क्या होता है और उसके बाद बहुवचन। एक वचन की परिभाषा लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे इसका, तोता, मछली आदि। फिर है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से वचन या शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण में तोते, मछलियाँ आदि। ठीक है, तो आपके ये बुक में दो ही क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और आपको ये डायग्राम बनाना है और आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू।